आज भी जेल से रिहा नहीं होंगे आर्यन खान। जेलर ने कहा नियम किसी के लिए बदला नहीं जाएगा। रोम में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने तोड़कर फेंकी कार्यकर्ताओं की माला। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश को पहनाई थी माला। कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार का निधन। दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में थे भर्ती। दिल्ली में बढ़ रहे डेंगू के मामले। बीजेपी ने शुरू किया फॉगिंग का अभियान। नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। जनपद मुख्यालय पर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे ने प्रेस वार्ता आयोजित की। आपको बता दें कि सिद्धार्थ नगर में प्रेस वार्ता आयोजित होने के बाद उन्होंने गोरखपुर में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा को सफल बनाने पर उन्होंने जोर दिया गया। रैली की सफलता को लेकर कांग्रेस हर संभव कोशिश में लगी हुई है, ये उनकी तरफ से बयान जारी किया गया। साथ ही गोरखपुर के आसपास जिलों में ज्यादा संख्या में लोगों के पहुंचने की भी अपील की गई है। वहीं उन्होंने 2022 के चुनाव में किन मुद्दों पर कांग्रेस मैदान में आने वाली है के प्रश्न के उत्तर देते हुए कहा कि आज वर्तमान में किसान, महिला, महंगाई, स्त्री सुरक्षा जैसे मामलों पर काम करना जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस पर अगर जनता भरोसा जताती है तो इन सभी मुद्दों का समाधान भी कांग्रेस पार्टी जरूर निकालेगी। वाली 31 तारीख को गोरखपुर में जो रैली प्रस्तावित है, जिस रैली का मूल उद्देश्य है कि प्रियंका जी ने जो प्रतिज्ञाएं ली है उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए, उनके जीवन के कैसे बेहतरी हो उसके लिए जो उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली हैं, उसको कैसे आम जनमानस तक पहुँचाया जा सके, कैसे उनको बताया जा सके। कोई उनके इलाज के लिए भी सोच रहा है, कोई उनके रोजगार के लिए भी सोच रहा है, कोई उनके बिजली के बिल के बारे में भी सोच रहा है, कोई उनके किसानों के बारे में भी सोच रहा है, कोई महिलाओं के बारे में भी सोच रहा है। इन सारी चीज़ों को कैसे आम जनमानस तक पहुंचाया जाए, इसके लिए हम लोग जिले दर जिले बैठक कर रहे हैं, संगठन के पदाधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, कैसे भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे और पहुँच के हमारे क्षेत्र को सुने और उनके द्वारा कही हुई बातों को आम जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास करें। वहीं मथुरा के एक निजी होटल में नगर निगम मथुरा वृंदावन के बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई विकास कार्यों को लेकर बैठक का प्रस्ताव सभी पार्षद की सम्मति से पास किया गया, जिसमें समस्त पार्षदों ने अपने सुझाव व शिकायतें बोर्ड मीटिंग के सामने रखी। दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग अपने घरों में तरह तरह के साधन जुटाते हुए अच्छी तरह से त्यौहार मनाते हैं। वहीं मैनपुरी में आतिशबाजी के थोक और फुटकर विक्रेताओं ने दुकानें अपनी सजा ली है, जिसमें से कुछ लोग तो वही ईष्ट देव के सामने दीपदान के उपरांत आतिशबाजी का प्रयोग कर जमकर फुलझड़ी पटाखे रॉकेट चलाकर मजे का आनंद लेते हैं, तो वहीं इन पटाखों से निकली चिंगारी कई स्थानों पर आग जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती है। इससे निपटने के लिए जनपद में फायर ब्रिगेड की तरफ से क्या क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इस पर भी ध्यान इस वक्त दिया जा रहा है। फायर ब्रिगेड सर्विस विभाग के CFO पद पर तैनात यदुनाथ सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ सभी लोगों को नियमों का पालन करना भी जरूरी है। वहीं मथुरा में नगर निगम की बोर्ड बैठक में काफी हंगामा हुआ। यहां महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु ने निगम अधिकारियों पर व्यक्तिगत अशोभनीय टिप्पणी कर दी। हालांकि मेयर ने इस पर नगर आयुक्त की तरफ से आपत्ति जताते हुए माफी भी मांगी। जानकारी मिली कि बोर्ड बैठक के दौरान कुछ पार्षद आरोप लगाते हुए कहा कि दीपावली के विज्ञापनों में फोटो नहीं छपते। इस बीच मेयर ने अपने शब्दों को वापस लेते हुए क्षमा मांग ली। मेयर और नगर आयुक्त के बीच संकटमय स्थिति देखकर काफी संख्या में पार्षद अपनी अपनी सीट छोड़कर मंच पर आकर नगर आयुक्त को समझाने लगे। मेयर द्वारा माफी मांगने पर नगर आयुक्त का गुस्सा ठंडा पड़ गया, उन्होंने भी अपने कड़े शब्दों पर माफी मांग ली। इसी पर हंगामा करते हुए बैठक में काफी बवाल हुआ। इस दौरान नगर आयुक्त ने आक्रोश में अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। मेयर और नगर आयुक्त के इस घमासान से इलाके के लोगों में का जो माहौल है काफी ज्यादा गर्मा गर्मी वाला हो गया।
वही जनपद मैनपुरी में इस समय किसानों को उर्वरक खाद की कमी की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये समय गेहूं, आलू, सरसों की फसलों का है। इसी खास समय में किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। सपा पूर्व राज्य मंत्री व विधायक आलोक शाक्या व पूर्व राज्य मंत्री तोताराम यादव के नेतृत्व में किसानों के हित में यूपी के राज्यपाल महोदया के नाम SDM भोगांव को ज्ञापन सौंपा गया और अपील की गई कि खाद की किल्लत को जल्द से जल्द दूर किया जाए। हम ये कहना चाहेंगे ये किसान विरोधी सरकार है और किसान की खाद है, तो वो ये नहीं चाहते किसान संपन्न हो, किसान भूखों मरे, तब ये अपने को संपन्न बीजेपी वाले मान रहे हैं। मोदी और प्रधानमंत्री स्वयं जो है किसान विरोधी है और किसान विरोधी बात करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने अभी एक केंद्र सरकार केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा कि मैनपुरी जनपद में DAP और खाद की कमी है, उनको तब तक अभी भी खाद उन्होंने रिवाइज नहीं मैनपुरी जनपद। वही अलीगढ़ के थाना कुआरसी इलाके के बाईपास पर दबंगई की तस्वीर सामने आई है। फिर से दबंगों के हौसले बुलंद होते अलीगढ़ में देखे जा रहे हैं, जहां कबाड़े का काम करने वाले युवक के साथ दबंगों ने बदसलूकी की। जबरन वसूली करने का मामले में खूब हंगामा हुआ है। पीड़ित के साथ दबंग व्यक्ति ने मारपीट भी की। दबंग की पिटाई से किसी तरीके से बचते हुए पीड़ित ने भाग कर अपनी जान बचाई। फतेहपुर के छिवलहा हथगांव थाना क्षेत्र में 12 बंदरों के रहस्यमयी तरीके से मरने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही इलाके के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और पशु चिकित्सा अधिकारी ने मामले की कार्यवाही शुरू कर दी है। बंदरों के मरने की सूचना पर पहुंचे रामदल अध्यक्ष अगेंद्र साहू और रामदल मीडिया प्रभारी अजय गुप्ता ने बताया कि गांव किनारे करीब 11 बंदर मरे मिले हैं और 6 बंदर मरणासन्न अवस्था में बरामद किए गए हैं, जिसकी सूचना हथगांव थाने में दे दी गई है। पशु चिकित्सा के डॉक्टर अनुपम चौधरी ने बताया कि बंदरों का जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा कि बंदरों की मौत का कारण आखिर क्या है। उत्तर प्रदेश की खबरों के बाद अब हम रुक करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का, जहां मंदसौर के पिपलिया मंडी में एक व्यक्ति ने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तार तार करते हुए अपनी सगी बहन को डरा धमका कर उसके साथ जोर जबरदस्ती की। व्यक्ति ने जबरदस्ती करते हुए अपनी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाया। इस मामले में महिला हेल्प डेस्क प्रभारी सब इंस्पेक्टर जया भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग लड़की ने अपने बयान में कहा कि उसकी मां काम की वजह से घर के बाहर गई हुई थी और इसी बीच उसका बड़ा भाई घर पर रहने के लिए आया, उसने उसके साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश की। वहीं पीड़िता ने बाद में अपनी पूरी आपबीती अपनी माँ को बताई, जिसके बाद पीड़िता अपनी माँ के साथ थाने पहुंची जहां पर शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उस पर कड़ी कार्रवाई जारी है। परसों 26 तारीख को पीड़िता उसकी माँ और भाई के साथ में, छोटे भाई के साथ में थाने पर आई थी। उसने रिपोर्ट की कि जो उसका सगा भाई है उसने उसके साथ में गलत काम किया है। घटना उसने ऐसी बताई कि उसके पिताजी का स्वर्गवास हुए 6 साल हो चुके हैं और जो पीड़िता है उसकी माँ और पीड़िता से बड़ा भाई आयुष, ये दोनों मजदूरी करते हैं। पीड़िता की माँ और उसका भाई आयुष, ये दोनों मजदूरी करते हैं और ये जो उसका सबसे बड़ा भाई है ये कभी कभार मजदूरी करने जाता है, बाकी घर पर ही रहता है। तो 24 तारीख के दिन रविवार को इसकी माँ और इसका भाई, ये दोनों मजदूरी करने के लिए गए थे और ये जो आरोपी है ये घर पर ही था। लड़की मेहंदी बना रही थी, दिन में करीबन 2-2.5 बजे की बात होगी, इसने लड़की को ये बुलाया और वहीं कमरे में इसको बुलाया, अपने पास में बिठाया और फिर इसके साथ में धीरे धीरे इसको गलत तरीके से टच करते हुए फिर इसने इसके साथ में अपनी सगी बहन के साथ में गलत काम किया। और फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।